संजय प्रभात सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टैंडर्ड मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं। इसमें हमको प्रोडक्ट में हमें गिवन नंबर है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रेस्पेक्टिवली। ये हमें सम दिया हुआ है और ये हमें क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है यहाँ पर 1/4, यानी कि ये हमें दिया हुआ है -b/a और अल्फा बीटा दिया हुआ है हमें -1, यानी कि ये दिया हुआ है हमें c/a। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इन वैल्यू को कंपेयर करें तो यहाँ पर से हमें a की वैल्यू क्या है 4 बनानी है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो हमारी c की वैल्यू क्या आ जाएगी c/a -4/4। तो आपकी a की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हम इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4x2, b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई आपकी -4, ठीक है, ये बन गया आपका एक्सपेंशन। इसी तरह से सेकंड करेंगे, सेकंड में हम क्या करेंगे √2 1/3, यानी कि यहाँ पर हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना √2 और ये क्या दिया हुआ है -b/a और अल्फा बीटा दिया हुआ है हमको 1/3, यानी कि ये दिया हुआ है c/a। तो इसको हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3√2 = −b/a। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी ax2 + bx + c, क्योंकि a की वैल्यू हमको इक्वल करनी पड़ती है, तो क्या हो जाएगा 3x2, b की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो यहाँ पर क्या आएगा -3√2x और c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1। हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया 3x2 - 3√2x + 1, ठीक है। अब 0√5 दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया हुआ है 0, यानी कि -b/a हमको क्या दिया हुआ है 0, सी अल्फा बीटा हमको क्या दिया हुआ है √5, यानी कि c/a हमको क्या दिया हुआ है 0। तो यहाँ पर 1 बनाया है, ठीक है, यहाँ पर 1 बनाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, हमारी इक्वेशन हो गई ax2 + bx + c। a की जगह हम क्या रख देंगे 1, दोनों में 1, b की जगह क्या आ जाएगा 0 और c की जगह क्या आ जाएगा √5, तो हमारी इक्वेशन हो गई x2 + √5। इसी तरह से इसका फोर्थ करेंगे, फोर्थ में देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1, ये हो गया -b/a, इसके नीचे भी 1, अल्फा बीटा भी कितना दिया है 1/1, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी डायरेक्टली ax2 + bx + c, a की जगह क्या आ जाएगा 1x2 - 1x + 1। ओके, ये 5th और 6th इसके होमवर्क है, क्वेश्चन 2 कंप्लीट।